हमारे एएसआई हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सीबीआई इंक्वायरी कराना, आप नर्सिंग को 2 लाख, एनओ को 1.5 लाख, हाउस पिकिंग 1 लाख, या हमारे दवाखाने में इतने बड़े चोरा घुस गए हमारे दवाखाने का, ऐसा ही 21 नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हमारे गुलबर्गा जिले में हरगंज यूनिवर्सिटी हो, एएसआई हॉस्पिटल हो, इमान एयरपोर्ट हो, यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिसर हमारा कर्नाटक नहीं। एएसआई हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 3 से 4 हजार से 5 हजार एडमिट करने का दवाखाना है, पूरा गिर को खराब होकर जा रहा, आज तक इन्होंने बढ़ा रहे नहीं। आप इमीडिएटली अगर इन्होंने नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर हम 2 महीना टाइम दिए, 2 महीने के अंदर इन्होंने नहीं सुधारेंगे बोले तो हम बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट एमजी रोड, आदर्श नगर, कलबुर्गी। मैं एएसआईसी हॉस्पिटल चेड़म रोड कलबुर्गी दवाखाने का कार्मिक अध्यक्ष हूँ, फिर हैदराबाद कर्नाटक भूई जनसेवा संघ अध्यक्ष भगवान भूई बोल को, हमारे एएसआईसी हॉस्पिटल में इतना खपलत, इतना चोरी, इतना ढकाइत हो रहा है, वो कोई भी सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी इतना खास कार्रवाई नहीं कर रहे। हम 1-2 साल पहले भी करोड़ों रुपए लूटे हुए, ऐसा हम एफआईआर कापी भी दिए, आज तक कार्रवाई सही नहीं हो रहा। वो जो इंक्वायरी करने आते उससे बड़े चोरा हैं, ऐसा आपको इंक्वायरी सही नहीं हो रहा। हमारे एएसआई हॉस्पिटल में टेंडर सब खत्म होकर 5-6 महीने हो गए, होने के बाद भी इन्होंने टेंडर कार को कार्मिक को नहीं लिए, टेंडर ही काढ़े नहीं, इन्होंने कम से कम 100 के आदमी लिए, वो एनओ में नर्सिंग को 2 लाख, एनओ को 1.5 लाख, हाउस पिकिंग 1 लाख, ऐसा 100 के कार्मिक लिए। मैं क्या किया, इतने कार्मिक ले रहे और हमारे कार्मिक को क्यों नहीं लेते बोल को, मैं डीन तीरसागर, एनओ और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सुधाकर, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट सचिन और कंप्यूटर ऑपरेटर उषा कुमार, ये सबको मिलकर मैं ये सब डॉक्यूमेंट्स देखो हमारे आदमी अगले बोले तो एकले को भी नहीं लिए, मैं कार्मिक अध्यक्षों को मेरा आदमी को एकले को भी नहीं लिए बोले तो, और दूसरे को क्यों लेंगे, कैसा लेते, किसी को नहीं लेते, उन्होंने पैसे लिए तो लेते नहीं लेते, पैसा भी कैसा डील करते हैं, हमारे कार्मिक के पास ही ब्रोकर करने वाले है, एनओ सिक्योरिटी हाउस पिकिंग इलेक्ट्रिशियन, ऐसा हर कार्मिक के जो काम करते वही ब्रोकरगिरी करते, उसमें कुत्ता रहता ना नेत का, कुत्ते एक सर का, वो पैसा कैसा लेते, अब इतने लोगों को लेना है बोल को ऑफिसर उनको बोलने के बाद इतना इतना पैसा लेना बोल को, उन टारगेट पहले फिक्स करते मीटिंग कर को, ये टेंडर वाले, ये 5-6 ऑफिसर, ये ब्रोकर मिल को हमारे कार्मिक के, इतना इतना लेना ये काम को फिक्स करने के बाद वो क्या करते, उनके होने वाले हमको कहाँ कहाँ है वो, नहीं तो गाँव छोड़ को दूसरी जगह पैसे लेते, नहीं तो जंगल में जाको, खेता में जाको, उसका मोबाइल गिबल सब चेक करते, खाली पैसे लाना हो, डॉक्यूमेंट्स लाना, कौन सा वीडियो कर सकते ना, किसी को बोल सकते, कुछ भी नहीं, वैसा पैसे लोगों सेलेक्शन करके लोगों को काम को ले रहे, करोड़ों रुपये लूट रहे। अगर इनामदारी आता इनके पास ये रहता तो मैं कार्मिक अध्यक्ष, मेरा एक तो लेना था उतने नहीं तो हाउस पिकिंग तो लेना था, क्या हाउस पिकिंग क्या है, पीएचडी डिग्री होना पड़ता, ये भी नहीं लिया उन्होंने, अकेले कुछ नहीं, मेरे पास कितने के लोग आए, 2-2 लाख बात करो, 50-50 लाख देने के बाद वो बचत के पैसे नहीं दे बोल को, ये कार्यस्थ लोग मेरे पास ही खड़े और दूसरे 90 लोगों को ले रहे, उसके वास्ते ये क्या करना, हमारे एएसआई हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा सीबीआई इंक्वायरी कराना। आप देखो, अब हमें 2000 बेड करो बोल को ऑर्डर करे थे दवा सौ फिर कुछ आ रहा बोल को, अब 1000 बेड ज्यादा करना बोल को ऑर्डर आया, उसके साथ हो रहे क्या आया, सिक्योरिटी लेडीज एक्स पुलिस रिटायरमेंट लेना बोल को आया, तुम्ही समझो एक्स पुलिस रिटायरमेंट 60 साल होने के बाद रिटायरमेंट करे रहते हो, और उनको पलने के वास्ते पेंशन भी आता 20-25-35 साल, फिर उनको तो सिक्योरिटी करने का ताकत नहीं रहता, अगर कोई भी आते भी नहीं बाई चांस आए तो भी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी किसी को लो ना, यहाँ हमारे माँ बहना 7वीं पकड़ को 10वीं ले कौन सीखी, हाइट 5.5 रहना, ऐसे 18 से 30 साल के अंदर रहना, ऐसे लोगों को हम सिक्योरिटी लेंगे तो इसको क्या ट्रेनिंग जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे ऑफिस ही दे सकते ट्रेनिंग, सिक्योरिटी कैसा करना बोल क्या है, क्या जंग करना है, ये उनको आदेश करना, ये एक्स पुलिस रिटायरमेंट का आदेश कैंसिल करना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इमीडिएटली से कैंसिल करना, वो यंग लोगों को देना, उनको एक पलने वास्ते एक नौकरी मिले सरकार होता, 30 से 40 साल ड्यूटी कर सकते, तो कितने लोग पढ़ को काम नहीं सो बैठे, ये रिटायरमेंट उन मरने जाते बोले तो अभी उनको काम लेते बोलते, सरकार का योजना जो है बेफजूली है, ये बेफजूली काम कर रहे, ऐसा नहीं करना, नवा आदमी भाई पढ़ा लिखा हो क्या हो उन्हीं उसको सिक्योरिटी उतना ये कहीं को जरूरत है, सिर्फ क्या ईद करना है, वैसा नहीं लेना, इमीडिएटली वो कैंसिल करके, महिला कोई भी रहें, कोई जात वाले कोई भी रहें, उन 7वीं से 10वीं तक सीखना, 5.5 हाइट रहना, उनको आदेश करना इमीडिएटली, वही जब भी भर्ती करना। अब दूसरा क्या है, हमारे एएसआई हॉस्पिटल में बहुत चीज़ें चोरी हो रही, ऑक्सीजन मशीन बड़े बड़े 2 बिटा है, एक ऑक्सीजन मशीन चलो एक का तो वो तांबूर का जो सप्लाई होने का पाइप रहता ना वो पाइप ही पूरा चोरी हो गया, एफआईआर भी हो गया, वो पाइप कम से कम 25 से 30 लाख का रुपए का चोरी हो गया, उतना बड़ा बड़ा चीज़ चोरी हुआ तो नहीं मिल रहा, वहाँ पर छोटे छोटे चीज़ कितने चोरी होते रहेंगे, कितना जाता रहेगा। आप देखो दवाखाने में पेशेंट्स जो हमें है, अब
वो 75 से 80% तो बाहर से लिख को देते, बाहर से लिख को देते हो तो रोज 3 करोड़ खर्चा है, इतना डॉक्टर इतना सब कहीं को रहना था, क्या जरूरी है, खाली 4 आदमी थे लिख को देते ना वहाँ पर, इतना बड़ा दवाखाना को लिख को देते, बाहर से करते सो बाहर से लिख देना है, मात तो ऑपरेशन ही कुछ नहीं, उसके वास्ते क्या बढ़ूँ, आप ये दवाखाना जो 10-1 हज़ार से टारगेट याद करें, अब हमारे दवाखाने में पूरे गोली औषध ऑपरेशन सब हमारे दवाखाने से होना, छोटे छोटे दवाखाने वाले छोटे मेडिकल वाले हमारे ऐसे में आपको ले जाना दवा ऐसा बनाना है, ये बाहर से कोई भी लिख को देना नहीं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब जो सेंट्रल के लोग है, ये हमारा 371J ये बजट में उनको देखो डेवलपमेंट करना, हमारा ये ऐसा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 3 से 4 हज़ार से 5 हज़ार एडमिट करने का दवाखाना है, पूरा गिर को खराब होकर जा रहा, आज तक इन्होंने बढ़ा रहे नहीं, आप इमीडिएटली अगर इन्हों नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर हम 2 महीना टाइम दिए, 2 महीने के अंदर इन्होंने नहीं सुधारेंगे बोले तो हम बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं। अब हमारे पास कार्मिक लोग है, ये काम करे वाले को निकाले, उन्होंने पैसे नहीं दिए बोल को, अभी आधे पैसे देना बोल को, ये हमारे दवाखाने में इतने बड़े चोरांग घुस गए, हमारे दवाखाने का कैसा ही एक ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा हमारे गुलबर्गा जिले में कड़गंज यूनिवर्सिटी हो, ये ऐसा हॉस्पिटल हो, ईमान एयरपोर्ट हो, यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिसर हमारा कर्नाटक नहीं है, पूरे भारत के ऑफिसर है हायर, और क्या है ये जो हमारे लोगों को कई को लिए खाली झाड़ू मारने संडास बाथरूम साफ करने लिए, वो भी लाख लाख रुपए लिए कुछ लिए, कोई यूनिवर्सिटी में हमारा आदमी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, ये 20 से 25 एकड़ जगह पकड़े गया सरकार का, वो जमीन में हमें बागत हो ना मेलवाड़ी हो, पहले तो पूरा गुलबर्गा पलता था, ये खाली हमारा जगह कब्जा कर ले बैठे ये लोग, हमारा हैदराबाद कर्नाटक वाले को जगह गए खेत गए, खेत गैस वाले को भी नौकरी नहीं है कहीं तक, ये सब भारत देश वाले का नौकरी पढ़ने वाले भारत के से हमारे लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं है, ये राज्य और केंद्र सरकार और ये बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बनने जाते हमारे लोगों का हालत क्या है देख रहे नहीं, खाली वोट के वास्ते मर रहे पूरे लोग, यहाँ परिस्थिति क्या है देखो, लोगों का क्या हालत चल रहा है देखो, ये गरीब आदमी अब तुम्हारे पास पैसे है आप सद 2 लाख रुपये शाम में तुम्हारी नौकरी हो जाता, सुबह में जय नहीं हो सकते, तुम कैसा लेते हैं कैसा नहीं है सबको मालूम है, लोग को भी आंग क्या मुझे सरकार बैठ रहे हैं, ऐसे हम सस्पेंड करके इमीडिएटली FIR करके इनको जेल भेजने का कोशिश करेंगे तो कोई नहीं आएगा, ये CBI कैसा रहता, अब कहाँ तो एक चोरी करे रहता कैसा इंक्वायरी करते मालूम है, वहाँ कोई भी नहीं रहता फिर भी CCTV कैमरा से इंक्वायरी करके पकड़ती है, लोगों को पकड़ना कौन सा बड़ा काम है, इंक्वायरी सही नहीं हो रहा, इंक्वायरी करने वाला भी चोर है, इन्हीं करने वाला भी चोर और हमारा ब्रोकर भी चोर सब चोरा मेरे, तो इंक्वायरी सही कैसा होता, उसके वास्ते CBI स्पेशल दिल्ली से ऐसा CBI हमारे ऐसे हॉस्पिटल को इंक्वायरी करने भेजना, ये लोग राइट हैंड सपोर्ट को इनको जेल भेज को सस्पेंड होना और नवे लोगों को लेने वास्ते बहुत ये करना बोल को मेरा सरकार से विनंती है, हमारा दवाखाना पूरा चालू होना फिर सब लोगों को पूरा ट्रीटमेंट मिला, बाहर से ये गोली भी नहीं लिख देना पैसा चलाना बोल को मेरा राज्य और केंद्र सरकार से विनंती। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, लर्न टू सक्सीड, इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स, विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट MG रोड आदर्श नगर कलबुर्गी।